मन्यसे मातुलेयम् प्रियम मित्रम सुहित्तमम्। हे अर्जुन, ये कृष्ण इतने सरल हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है कि आप उनको कभी अपना प्रिय मित्र समझे हो, कभी ममेरा भाई समझे हो, कभो सुवैसी समझे मतलब हितकारी समझे हो, कभी उनको मंत्री समझ करके शांति दूत बना दिया तुमने, उपकारी इत्यादि माना है, लेकिन ये है कौन? स्वयं भगवान है। देखिए, जो सीनियर होते हैं ना, वो हमको एकोमोडेट करने के लिए अपने में चेंज लेकर के आ जाते हैं, राइट? जैसे गुरु, साधु, कृष्ण, बहुत से सीनियर वैष्णव, वो अपनी उम्र और अपनी सीनियरिटी को आपके समक्ष नहीं आने देते ज्यादा। आपको कंफर्टेबल रखने के लिए वो क्या करते हैं, अपने नीड्स को साइड कर देते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जब अर्जुन अर्जुन ने कृष्ण, आप मुझे आपका विराट रूप दिखाइए, मैं उसको देखना चाहता हूं, तो कृष्ण ने दिखाया उनको विराट रूप। जैसे ही श्री कृष्ण ने उनको विराट रूप दिखाया, अर्जुन इसी प्रकार की प्रार्थना उनसे करने लग गए, बोले क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मुझे, मैं तो आपको मेरा फ्रेंड समझ लिया था और मैंने आपको मेरा ममेरा भाई मान लिया, और उस चक्कर में कभी कभी मैं आपसे जोक करता था, कभी कभी तो आपको गाली भी दे देता था, कभी कभी तुम ताम करके भी बुला लिया, कभी आपका मजाक भी उड़ाया मैंने, और वहां तो छोड़ो, कभी कभी आपके शरीर पे पैर रख करके सो जाता था, लेकिन मुझे कैसे पता कि आप तो स्वयं भगवान हो, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, राइट? ऐसी प्रार्थना करना वो शुरू कर देते हैं। ऐसी ही चीज यहाँ पे अब भीष्म पितामह कह रहे हैं, युधिष्ठिर, कृष्ण ने अपने आप को पूर्ण रूप से आपके सामने नहीं दिखाया, तो आपने कभी उसको सचिव समझा, कभी दूत समझा, कभी सौहृद समझा, कभी मातुल समझा, है ना? और इसी कारण जब ये श्री कृष्ण तुमको सब कुछ समझा रहे थे कि नहीं दोष तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम नहीं माने और मेरे पास आए हो बात करने के लिए, बट ये वो स्वयं भगवान है, करेक्ट? सो जिस प्रकार से भगवान भी हमें हमारे समक्ष में रहे, तो शायद साथ साथ रहते हम भूल जाएं कि वो भगवान है। कहते हैं ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। जब कोई व्यक्ति साथ में रहने लगता है तो हम उसकी पोजीशन को भूलना शुरू कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब शुरुआत के दिनों में प्रचार करने के लिए गए, तो उधर लाइन में लग करके टॉयलेट जाना होता था, तो स्टार्टिंग में कुछ भक्त लाइन में लगे थे, तो पांचवे और छठे नंबर पे जाके श्रील प्रभुपाद जी भी लाइन में लग गए। उनके पीछे जो भक्त आए, उनको इतनी भी ट्रेनिंग नहीं थी कि वो बोल सके, नहीं नहीं प्रभुपाद जी आप चले जाइए पहले, वो प्रभुपाद जी के पीछे लाइन में लग गए सब। मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि प्रभुपाद जी को भी लाइन में लगना चाहिए पांचवें छठे नंबर पे, और उनके जो आगे के भक्त थे वो भी पीसफुली देख रहे थे कि प्रभुपाद जी लाइन में लगे हुए। अरे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस चीज को उनके सामने में आने नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने इतना कंफर्टेबल रखा कि वो मतलब उस चीज का गिल्ट नहीं फील कर पाए, लेकिन जब बाद में जैसे जैसे श्री प्रभुपाद जी ने उनको ट्रेनिंग दी और जैसे जैसे उनको समझ में आया श्री प्रभुपाद जी का पोजीशन, तुरंत उनको फिर समझ में आया कि क्या मिस्टेक वो कर रहे थे। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना कि बिकॉज जब हम लोग साथ में रहते हैं तो हमारी एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड आ जाती है। जब हम भगवान के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं तो हम गुरु के साथ कॉम्पिटिशन क्यों नहीं कर सकते, है ना? और उस कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड में गुरु को भी एक साधारण मनुष्य के रूप में हम देखना शुरू कर देते हैं। ये बात सत्य है कि गुरु का भी अपना एक भौतिक शरीर होता है और उस भौतिक शरीर के हिसाब से बहुत सी चीजें भौतिक स्तर पे
होती। लेकिन हमें उस भौतिक चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हर व्यक्ति अपने ईगो के साथ घूमता है, और ये ईगो जो है उस व्यक्ति का ना, वो उसको अलाउ नहीं करता है सरेंडर करने के लिए गुरु के प्रति। बहुत बार हम उम्र में फंस जाते हैं, और हमारी उम्र बड़ी है इसलिए हमको तो कोई करेक्ट नहीं कर सकता, राइट। बहुत बार हम प्रोफाइल में फंस जाते हैं, मेरी इतनी बड़ी प्रोफाइल है इसलिए कोई करेक्ट नहीं कर सकता। तो इसी बात को यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण की प्रोफाइल से मत जाओ, उनके एक्चुअल प्रोफाइल को पहचानो कि ये स्वयं भगवान आपके पास खड़े हैं युधिष्ठिर। और इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो युधिष्ठिर आपके लिए है कि आप ये सोचो कि आप कितने ज्यादा भाग्यशाली हो कि ये भगवान आपके साथ रहते।